अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए, ये हमारा साटन का कपड़ा है, यानी कि सामू का कपड़ा है। ये हमने इसे 3 मीटर लिया हुआ है। अब हम इसे 3 कोनी कपड़े में बिछा लेंगे। देखिए, ये पहले मैंने डबल लिया हुआ है कपड़े को। देखिए, इस कपड़े को हमने 2 फोल्ड करके इस तरह बिछा लिया है। ये 2 फोल्ड कपड़ा है। अब हम इसके कॉर्नर पर यहाँ पर पकड़ते हुए इसे कोना बनाएंगे। इसका इस तरह यहाँ पर पकड़ेंगे हम, और उस तरफ का कोना उसे उठाकर इस पर डाल देंगे कपड़े को। यानी कि जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस कपड़े को भी बिछाएंगे। देखिए, इस तरह हमने इसे कोना बना लिया है। जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक को बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इसे कॉर्नर पर बना लिया है। अब सबसे कोने में हम पैंचे लेंगे, यानी कि बॉटम। देखिए, जब हम कपड़ा इस तरह 3 कोनी बिछाते हैं तो ये कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये क्रॉस कट किया हुआ है। तो हम इसे सही से कट कर लेंगे, यानी कि इसका किनारे के पास से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इससे सबसे पहले पैंचे बनाएंगे। इसके अंदर पैंचे हमारे 6 इंचेस रेडी। तो हम एक 1 इंच मार्जिन लेते हुए 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए, हमारी जो लंबाई होनी चाहिए वो ओपन साइड होनी चाहिए। तो मैं ओपन साइड इस तरफ, कभी भी हमारी शलवार की फोल्ड साइड होती है लंबाई, चूड़ीदार की और शलवार की, कोई भी शलवार की फोल्ड साइड होती है। लेकिन अब हम धोती शलवार कट कर रहे हैं तो इसकी लंबाई हमें ओपन साइड से लेनी है। सबसे पहले हम इसमें पैंचे बना लेंगे। पैंचे हमारे 6 इंचेस है, उसमें 1 इंच मिलाते हुए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह हम 6 में 1 मिलाते हुए 7 इंचेस ले लेंगे। ये हमारी बॉटम हो गई है, यानी कि पैंचे, जिसे मोरी भी बोलते हैं। ये हमारी मोरी हो चुकी है। अब हम इस पर, लंबाई है हमारी 41 इंचेस, तो यहाँ पर हम 41 इंचेस का टेप रख लेंगे। इस तरह आधा इंच हम मार्जिन लगाएंगे और इस तरह ऊपर की तरफ टेप को छोड़ेंगे। देखिए, इस तरह टेप को जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये किनारे की तरफ 6½ आ जाता है। तो हम 6½ का बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें बेल्ट कट करना है, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी लंबाई का निशान हो चुका है, यहाँ पर लंबाई हो चुकी है। अब जितनी भी कोने में चौड़ाई है, ये किनारे की तरफ से हम यहाँ से कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये जो टेप छूटा हुआ है, ये बेल्ट का है। बेल्ट हमारी रेडी 7 इंच आना है। देखिए, इस तरह हम इस किनारे की तरफ से पूरा कपड़ा कट कर लेंगे कोने तक। देखिए, हमने पूरी कटिंग कर ली है। ऊपर के कपड़ा हमने हटा देना है बेल्ट के लिए, और ये जो 3 कोनी कपड़ा है, इसमें हमें ओपन साइड ही किस तक लेनी है। देखिए, 6½ इंच का टेप हम ओपन साइड से, जिस तरह हमने लंबाई ली है उसी तरह हम किस तक भी यहीं से लेंगे, यानी कि आसन लेंगे। 6½ का टेप छोड़ते हुए हम किस तक यहाँ पर 15 रेडी है। इसमें हम 1 इंच मिलाते हुए 16 इंच पर निशान लगाएंगे। लेकिन किस तक बनाने के लिए हम यहाँ से 3 इंच का इस तरह टेप रखेंगे, और ऊपर साइड से भी 3 इंच का टेप रखेंगे और इसके मिला लेंगे हम। देखिए, इस तरह हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये हमारा बॉक्स 10 इंचेस का है। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर 1/2 इंच रखते हुए इसे राउंड बना लेंगे किस तक को, यानी कि आसन है, जिसे हम किस्तक भी बोलते हैं और आसन भी बोलते हैं। तो ये हमारा किस्तक हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, ओपन साइड से हम इस तरह किस्तक कट कर लेंगे। ये हमारी आसन हो चुकी है किस्तक। इस तरह ये कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे, ये हमारा नीचे का हिस्सा पूरा कट हो चुका है। अब हम नीचे का पैचा कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह ये जो नीचे का बॉटम है, इसे भी मैंने कट कर लिया है। ये हमारा बॉटम कट हो चुका है। इसका बॉटम हम अलग से लगाएंगे। जितनी भी हमारी कपड़े की चौड़ाई थी, हमने पूरी चौड़ाई ले ली है कपड़े की। कट करने के बाद ये इस तरह दिखता है। देखिए, कटिंग होने के बाद ये नीचे का बॉटम भी हमने कट कर लिया है और ऊपर किस्तक भी हमने कट कर ली है। तो ये धोती सलवार के नीचे के बॉटम कट हो चुके हैं। अब हम ऊपर की बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये धोती कटिंग के बेल्ट कट करने से पहले हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। इस तरह हमें 1.5 से 2 इंच कट करना है। ये हम कट ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी यहाँ बारीक सी कट लगाना है, हमारी चून यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी। तो ये स्टिचिंग करते वक्त बताऊंगी मैं। अब हम इसे बेल्ट कट कर लेंगे। इसका हमारे बेल्ट की चौड़ाई है
22 इंचेस और लंबाई है रेडी 7 इंचेस। तो हमें मार्जिन के साथ लंबाई में 9 लेना है और चौड़ाई में मार्जिन के साथ हम 23 इंचेस लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर फोल्ड किया हुआ कपड़ा है तो हमें यहाँ सिलाई नहीं लगानी है बिल्कुल भी, सिर्फ हमें यहाँ नेफा बनाना है यानी कि एक ही साइड सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह हम जब इस तरह कपड़े को रखते हैं तो ये हमारा 23 इंचेस आ रहा है, तो हमारा 1 इंच मार्जिन इसमें हो जा रहा है। ये हमारी बेल्ट की चौड़ाई हो गई। अब मैं इस तरह बेल्ट की लंबाई 9 इंचेस ले लूँगी, इस पर 9 इंच का निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह मैं 9 इंचेस ले रही हूँ। इस तरह टोटल हम 9 इंचेस का बॉक्स कट कर लेंगे। इस तरह हम देखिए इस तरह मैंने बेल्ट का निशान पूरा मिला लिया है। अब हम इस बेल्ट को कट कर लेंगे। ये 2 फोल्ड कपड़ा है बेल्ट का, नीचे धोती सलवार का कपड़ा हमने 4 फोल्ड डाला हुआ था। देखिए ये हमारा बेल्ट कट हो चुका है। अब ये बचे हुए कपड़े में हम बॉटम कट करेंगे। बॉटम लगाने के लिए हम पट्टी कट कर लेंगे। बॉटम के लिए मैं यहाँ से 2.5 इंच का क्लॉथ कट कर रही हूँ। इसके अंदर हम बकरम डालकर इसे पैंचे बना लेंगे यानी कि मोरी तैयार करेंगे इससे। आइए देखते हैं अब इस धोती सलवार की स्टिचिंग। सबसे पहले हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये जो हमने बेल्ट कट की हुई है, इस बेल्ट को हम इस तरह जो ओपन साइड है हमारा यहाँ पर देखिए इस तरह थोड़ा सा रफ करेंगे और रफ थोड़ा गैप छोड़ते हुए हम इस तरह रफ करेंगे और बीच में नाड़ा डालने के लिए 1 इंच छोड़ेंगे। उसके बाद इस तरह सिलाई लगा लेंगे। पहले हम ये सिलाई लगा लेंगे नेफे की। देखिए मैं इस तरह ये रफ कर रही हूँ। इसके बाद मैं इस तरह बीच में इसका नेफे का गैप छोड़ूंगी इस तरह, और फिर हम दोबारा यहाँ पर भी रफ करेंगे यानी कि सिलाई को लॉक करेंगे यहाँ पर भी आगे पीछे करते हुए। यहाँ भी हम सिलाई को लॉक करेंगे। देखिए ये हमारा बीच का जो हमने यहाँ छोड़ा हुआ था सिलाई का तागा कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ओपन करते हुए यानी कि इसे इस तरह खोलते हुए, देखिए इस तरह हमने इसे खोल दिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरफ। ये कपड़ा हम इस तरफ तागे नहीं निकलने के लिए जिस तरह हम चौक फोल्ड करते हैं उसी तरह हम इसे भी फोल्ड कर देंगे, और इसके साइड से हम फोल्ड करते हुए सिलाई ले लेंगे नेफे को। दोनों साइड भी यही काम कर लेंगे हम। देखिए हमारी ये सिलाई पूरी हो चुकी है। तो जो हमने बीच में ओपन छोड़ा हुआ था वो इस तरह नाड़ा डालने का बन गया है। अब हम इसे इस तरह 2 पॉइंट कपड़े को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच का इस तरह नेफा सी लेंगे। इसे नेफे को सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने 2 फोल्ड कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह मोड़ दिया है यानी 2 पॉइंट कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए 1+2 पॉइंट यानी कि 1.25 इंच कपड़ा इस तरह नेफे के लिए ले लिया है। अब इसी तरह हम पूरा राउंड नेफा इसी तरह तैयार कर लेंगे नेफे की। देखिए ये हमारा गोल नेफा तैयार हो चुका है, पूरा राउंड हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस नेफे को बीच सेंटर में यानी कि इसका बीच का सेंटर लेते हुए हम इस तरह एक कट लगा कर रख देंगे, क्योंकि यहाँ हमारी सिलाई नहीं है तो इस तरह हम छोटा सा एक कट लगाएंगे इसका सेंटर देखते हुए। ये जो हमारी सिलाई है इसके बीच का सेंटर में हमने कट लगा दिया। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इस सलवार का बॉटम जॉइंट करेंगे। देखिए इस सलवार को धोती सलवार को हमने जो किस्तक कट की हुई थी यानी कि ये किस्तक जो हमने 3 इंच का गैप लेते हुए कट की थी इसी किस्तक को हम जॉइंट करेंगे। सीधे से सीधे कपड़े को हम चिपका लेंगे। देखिए इस तरह मैं इसे हटा रही हूँ और सीधे से सीधा कपड़ा देखिए इस तरह सीधे से सीधा कपड़ा रख रही हूँ मैं। देखिए इस तरह ये सीधा है। सीधे से सीधे कपड़े को चिपकाते हुए मैं किस्तक की जॉइंट कर रही हूँ। पहले इसे आसन जॉइंट कर रही हूँ ये इस तरह।
आधा या पौन इंच का माया लेते हुए, यानी कि 4 पॉइंट या 6 पॉइंट माया लेते हुए मैं इसकी सिलाई करूंगी। देखिए इस तरह मैंने किस्तक की सिलाई कर ली है, इसे जॉइंट कर लिया है, इसे हम डबल सिलाई लगाएंगे और दूसरी किस्तक को भी बिल्कुल इसी तरह। दूसरी किस्तक को भी इसी तरह हम जॉइंट कर लेंगे और डबल सिलाई लगा लेंगे सीधे से सीधे कपड़े को चिपकाते हुए। देखिए दूसरी किस्तक भी हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हम दोनों किस्तक के बीच में जो हमने यहाँ पर इस तरह कॉर्नर पर 2 इंच का कपड़ा कट करके बीच में कट लगाया हुआ था इस तरह, तो इसे हम यहाँ से पकड़ते हुए सीधा कर लेंगे। शलवार को कभी भी हम जो प्लेट्स लेना है हमें सीधे कपड़े पर लेंगे ताकि हमारी प्लेट्स में गलती ना आए। देखिए ये उल्टा है, मैंने सीधा कपड़ा इस तरह रख दिया है। सीधे कपड़े को बीच का जो सेंटर है हमारा सिलाई का, जो मैंने आसन का जॉइंट किया हुआ था, देखिए ये आसन की हमारी सिलाई है, तो इसे हम यहाँ से चून बनाएंगे, प्लेट्स ले लेंगे। तो इसका जो प्लेट्स का शलवार के लिए हम इस तरह डालते हैं, शलवार के कपड़े के लिए हम इस तरह प्लेट डालते हैं, लेकिन इसे हम धोती शलवार के कपड़े के लिए अपने साइड डालेंगे, यानी अपनी तरफ हम चून का मुंह करेंगे और प्लेट्स हम 3 से 4 इंच की बड़ी लेंगे। देखिए इस तरह इतनी बड़ी प्लेट्स मैं ले रही हूँ। ये शामू का कपड़ा यानी कि साटन का कपड़ा है, इसलिए ये बहुत फिसल रहा है, इसे पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अच्छे से इस तरह प्लेट्स हम अपनी तरफ लेंगे, इस तरह इतनी बड़ी प्लेट हो गई। तो इस प्लेट को लेते वक्त हम दूसरी प्लेट भी इसके अंदर से ही लेंगे, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा हमारा इस प्लेट के अंदर से आना चाहिए। इस तरह करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पहली प्लेट पे मैंने सिलाई को रुका दिया है। अब दूसरी प्लेट के अंदर हम ये तीसरी प्लेट का कपड़े को रख देंगे, यानी कि हर प्लेट के अंदर अंदर की तरफ हमारा कपड़ा दबा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह हम प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे, जहां तक हमारा कट का निशान आ रहा है 2 इंच का, वहां तक हम प्लेट बनाएंगे इस तरह। देखिए अब हमारा ये कट का निशान जो हमने कट किया था 2 इंच का कपड़ा कॉर्नर पर, यानी कि पैचों के बिल्कुल ऊपर साइड में, तो ये निशान अब हमारा आ रहा है। यहाँ पर हम ये लास्ट प्लेट ले लेंगे इस साइड के अपने तरफ की। अब हम प्लेट का जो मुंह है वो पलट देंगे, यानी कि प्लेट हमारी अब उस साइड से आ रही थी, अब हमारा प्लेट का जो डिजाइन होगा उसे हमें पलटना है, यानी कि अब हम मशीन की तरफ करेंगे, मशीन की सुई की तरफ इसका प्लेट्स का मुंह करेंगे। देखिए इस तरह जिस तरह धोती पहनते हैं जब, तो ये प्लेट हमारी इस तरह राउंड आनी चाहिए। तो हमने देखिए प्लेट्स का मुंह जो है वो चेंज कर दिया। अब हम मशीन की सुई की तरफ प्लेट लेंगे, बिल्कुल उसी तरह हम बड़ी बड़ी प्लेट लेंगे इस तरह। देखिए मैं 3 से 4 इंच कपड़ा इसमें दबा रही हूँ, इस तरह मैं चौड़ा कपड़ा लेते हुए इसके ऊपर रख रही हूँ। प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स का कपड़ा आएगा हमारा, बहुत बड़ा चौड़ा कपड़ा लेते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे। अब इस प्लेट की भी जो हम प्लेट्स ले रहे हैं, जहां तक आसन की सिलाई आ रही है वहां तक हम सुई की तरफ लेंगे प्लेट को। देखिए इस तरह हमारी प्लेट्स उस तरफ जा चुकी है। अब हम ये किस्तक हमारा यानी कि आसन का सिलाई आ चुकी है, अब हम आसन की सिलाई से प्लेट का मुंह फिर से बदल देंगे। देखिए अभी हमारी आसन की सिलाई है, यहां से हम फिर दोबारा अपनी तरफ ले लेंगे प्लेट का जो हिस्सा लेना है हमें, ये दोबारा हम अपनी तरफ ले लेंगे। पूरी प्लेट पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा हम बाकी रखेंगे, क्योंकि हमें इस तरह अंदर की तरफ रखना है ये प्लेट, नहीं तो ये बेल्ट
छोटी हो जाती है और ये कपड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए प्लेट्स के अंदर प्लेट्स लेना है हमें। देखिए इस तरह एक के अंदर से एक प्लेट रखते हुए हमें कपड़े को लेना है। देखिए ये दोबारा फिर से कट आ रहा है, तो दोबारा हम प्लेट का जो मुंह है वो पलट देंगे। देखिए ये जो कट आ गया हमारा, ये दिख रहा है कट, ये कट से हम एक लास्ट प्लेट इधर कट तक ले लेंगे अपने तरफ। इसके बाद देखिए मैं प्लेट्स का जो सामने का हिस्सा है वो स्विंग की तरफ कर रही हूँ, इस तरह। देखिए इस तरह उठाकर स्विंग की तरफ कर रही हूँ मैं ये कपड़े को। अब बिल्कुल इसी तरह हम पूरी प्लेट्स आसन तक यानी किस तक स्विंग की तरफ ही ले लेंगे। देखिए हमारी प्लेट्स हो चुकी है, अब हम इसे माप लेंगे। हमारी ये जो ऊपर की चौड़ाई है जो हमने प्लेट्स लगाई हुई है, इस तरह हमारी प्लेट्स, ये पूरी टोटल 22 इंचेस आना चाहिए। तो देखिए मैं इसे माप कर बताती हूँ। देखिए ये यहां से 22.5 इंचेस है, यानी सिर्फ हमारी प्लेट हाफ इंच ज्यादा हुई है। तो हम ये हाफ इंच जो हमारा ये आसन है इसमें हम और एक छोटी सी प्लेट हाफ इंच की बना लेंगे इस तरह। अगर आप छोटी छोटी प्लेट्स लेंगी तो ये आपकी प्लेट्स बड़ी हो जाएंगी, फिर आपको दोबारा इसे खोलकर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे बड़ी बड़ी प्लेट्स ली हुई है, 3-3, 4-4 इंच की। तो ये हमारा धोती सलवार का प्लेट्स हो चुकी है। देखिए इस तरह साइड की है ये, और ये इस साइड जा रही है। देखिए धोती प्लेट की जो सलवार होती है वो प्लेट्स का आप मुंह देख सकते हैं, ये बीच के आसन की सिलाई है और ये इस साइड जा रही है। अब हम इसे बेल्ट से अटैच कर लेंगे, तो इसका जो आसन का बीच का सेंटर है वहां पर हम बीच का नेफा लगाएंगे। देखिए इस तरह ये बीच के सेंटर में मैं इस नेफे को सीधे से सीधे कपड़े को चिपका रही हूँ। देखिए बिल्कुल ये आसन की जो सिलाई है, यहाँ से नेफे की सिलाई को मैं सीधे से सीधा कपड़ा चिपका रही हूँ और मैं इसे राउंड सिलाई कर लूंगी बेल्ट के साथ। इसी तरह कपड़े को हम देखिए, ये जब हम सिलाई करते हैं तब ये प्लेट्स इसके अंदर जाकर दब जाती है, ऐसा इसके अंदर जाकर दब जाती है, इसलिए हमें कपड़े को बहुत ध्यान से प्लेट्स के कपड़े को हटाना है और इसकी सिलाई लेनी है। इसी तरह हम पूरी बेल्ट को अटैच कर लेंगे, जो हमने ये बेल्ट में बीच का कट लगाया हुआ था इस तरह। देखिए ये हमारा बेल्ट का बीच का कट है, तो इस कट को हम पीछे के आसन में लगाएंगे, यानी ये हमारा कट बीच सेंटर का पीछे के आसन में आएगा। इसी तरह ध्यान रखते हुए हम पूरी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी बेल्ट लग चुकी है राउंड तरफ से, अब हम इसे सीधा सीधा करते हुए बताएंगे इसे। देखिए ये सलवार इस तरह बन चुकी है, धोती सलवार ऊपर का हिस्सा इसका ये इस तरह हो चुका है रेडी। अब हम इसका बॉटम बनाएंगे, इसे हमने अंदर की तरफ डबल सिलाई भी ले ली है। देखिए इसकी प्लेट्स, अब हम इसमें बॉटम का हिस्सा बनाएंगे। देखिए जो नीचे हमने छोड़ा हुआ है इसे हम पहले बकरम की मदद से जो पट्टी हमने 2 इंच की कट की हुई थी उसे तैयार कर लेंगे। ये हमने बकरम लिया हुआ है, 1 इंच की चौड़ाई है इसकी, आप चाहे तो 2 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच का लिया हुआ है। तो बॉटम का जो हमने कटिंग किया हुआ था मोरी को, उसका साइज मापते हुए हम इस बॉटम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेंगे, यानी कि मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसी तरह हम 2 पट्टियों को कट कर लेंगे और कॉलर की तरह इसे लगाएंगे 2 पट्टियों को भी। देखिए ये हमारी 2 पट्टी कट हो चुकी है, अब हम इसे ये जो पट्टी हमने ली हुई थी इसमें जिस तरह हम कॉलर लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह इस पट्टी को भी मैं 1/2 इंच माया रखते हुए 2 पट्टियां कट कर लूंगी इसकी।
देखिए ये पट्टी एक हमारी कट हो चुकी है। अब इस पर और एक रखते हुए मैं पट्टी कट करूंगी। देखिए हम थोड़ा सा कपड़ा इसके ऊपर रखते हुए फोल्ड करके बकरम के ऊपर एक पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम हाफ इंच कपड़ा मोड़ रहे हैं। ये हमारा कपड़ा हो चुका है। अब हम इसे फोल्ड कर इसी कपड़े को वापस दोबारा फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह मैंने कपड़ा ये बढ़ा लिया हुआ है, तो इसी कपड़े को मैं इस तरह दोबारा फोल्ड करके इसके तीनों तरफ सिलाई लगाऊंगी। फिर से एक बार देखिए ये फोल्ड है, इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, यानी सीधे को सीधा कपड़ा चिपक चुका है। तो थोड़ा सा जो माया है वो हमारा नीचे की तरफ होगा। इसे रखते हुए इस तरह मैं इसके बकरम के किनारे से सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह ये जो हमारा नीचे की तरफ कपड़ा छूट रहा है, ये हमारा शलवार को अटैच होगा, धोती शलवार को यानी बॉटम को। तो इस तरह हम पूरी सिलाई लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। देखिए हमारी ये सिलाई हो चुकी है। अब हम इस बकरम की पट्टी को अंदर की तरफ मोड़कर दोबारा फिर उसी तरह सिलाई लगाएंगे ऊपर से। ये हमारा बकरम अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह बॉटम बनाने से धोती शलवार में बॉटम का लुक अच्छा दिखता है। आप मोड़कर भी सिलाई लगा सकते हैं बॉटम में। इस तरह बकरम लगाने से धोती शलवार के जो प्लेट्स होती है वो अच्छी से बैठती है। देखिए इस तरह टाइट करते हुए मैं इसे सिलाई कर लूंगी पूरा कंप्लीटली। देखिए इस तरह हमारा बॉटम रेडी हो चुका है। अब हम जो हमारी मोरी का हिस्सा है यानी कि पैचों का हिस्सा, इसमें हम इस तरह सीधे कपड़े पर, सॉरी उल्टे कपड़े पर, उल्टे कपड़े पर से हम लगाएंगे इसे। जो माया हमारा मार्जिंग था उस पर हम बकरम को हटाते हुए सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। मैं इस तरह बकरम को हटा रही हूँ। इसी तरह हम उल्टे कपड़े पर बॉटम पूरा सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह इसे हमने अटैच कर लिया है। अब हम माए को अंदर की तरफ डालेंगे, यानी कि माए को हम बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। माया हमारा अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह इसे हम अंदर की तरफ माए को डालते हुए किनारे पर सिलाई कर लेंगे। और आप चाहे तो बॉटम में डिजाइन भी कर सकते हैं या फिर सीधी सीधी सिलाई भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह हमने इसे अटैच कर लिया है। ये हमारा बॉटम बन चुका है। ये पीछे से भी और सामने से भी हमारा बिल्कुल भी इसमें तागा नहीं निकलता है इस तरह कॉलर की तरह लगाने से। इसी तरह हम दूसरा बॉटम भी रेडी कर लेंगे। देखिए हमने दोनों बॉटम बना लिया है कॉलर की तरह, बिल्कुल इसी तरह लगा लिया है। अब हम सीधे कपड़े को अंदर रखते हुए एक इंच की मार्जिंग से इस पर सिलाई ले लेंगे साइड से क्रॉस करते हुए। देखिए इस तरह सिलाई से हम इसे पैक कर लेंगे। देखिए दोनों आसन की सिलाई हमारी बराबर पर आनी चाहिए इस तरह। अगर आपका कोई एक आसन छोटा एक आसन बड़ा हो रहा है तो छोटे आसन को टाइट खींच के पकड़िए और जो बड़ा हो रहा है यानी सिलाई आगे की तरफ जा रही है उसे थोड़ा लूज छोड़ दीजिए। तो इस तरह आपकी सिलाई बराबर आ जाएगी। देखिए ये दोनों सिलाई किस तक आसन की बराबर में आई हुई है। इसी तरह हम इसे डबल सिलाई भी लगा लेंगे। डबल सिलाई करने के बाद हमारी धोती सलवार रेडी हो जाती है। देखिए ये हमारी धोती सलवार रेडी हो चुकी है। तो इस तरह ये हमारी सलवार रेडी हो गई है। इसके प्लेट्स पर हम आयरन कर लेंगे। इस्तरी करने के बाद ये सलवार का लुक और अच्छा आएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।